गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियो। यस, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल फॉर दिस फेस्टिव सीजन, फॉर दिस वेडिंग सीजन और आपकी थ्रू आउट लाइफ में भी, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप मेकअप करने के बाद अपना स्किन को कैसे सही रख सकते हैं। क्योंकि मेकअप में हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई तो कर लेते हैं। कुछ करवा चौथ आ गया, कुछ दिवाली आ गई, वेडिंग फंक्शंस आ गए, हैवी मेकअप लुक्स हम ट्राई करते हैं, क्रिएट करते हैं, या हम हैवी मेकअप लगाकर कहीं पे भी फंक्शन अटेंड वगैरह करते हैं। बट उसके बाद क्या है कि गाइस, मोस्ट ऑफ अस क्या है कि हम या तो मेकअप आके अच्छे से उतारते नहीं है, ऐसे ही सो जाते हैं, या हल्का फुल्का उसको उतार लेते हैं, या डायरेक्टली इसको वॉश कर देते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज टू करते आ रहे हैं। तो इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए मैं आज आपके साथ एक छोटे से सिंपल से स्टेप्स शेयर करने जा रही हूँ। आपने कभी भी कोई भी हैवी मेकअप किया हो जिसका आपको लगता हो कि आपको उतारना कैसे है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके मैं सिंपल स्टेप्स आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने कभी भी कोई हैवी मेकअप किया है तो उसके बाद ये स्टेप्स जरूर फॉलो करने हैं गाइस। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपकी स्किन जो है वो गाइस हेल्दी रहेगी, प्लम रहेगी, ड्राइनेस नहीं आएगी, आपको एजिंग के साइंस नहीं नजर आएंगे, आपको पिंपल्स नहीं निकलेंगे। खास तौर पे अगर हम मेकअप लगाकर सो जाते हैं तो हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं, स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं फेस के ऊपर। तो ये सारी प्रॉब्लम से हम बहुत ही छोटे स्टेप्स में छुटकारा पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट गाइस, उससे पहले आपने जल्दी से नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। अगर आपको गाइस मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो उसको लाइक जरूर कीजिए। आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल जो आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और फेस्टिव से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की है, मेकअप लुक्स, लिपस्टिक वीडियोस, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक जो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो प्रोडक्ट्स भी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी आप बहुत बेसिक से हैं, आपको वो जरूरी नहीं है कि आपको वही लेने हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स है आप उन्हीं के साथ वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। बट आपने ये रूटीन जरूर फॉलो करनी है फॉर योर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चेंज करेंगे हम अपने क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ गाइस गुड वाइब्स की ऑरेंज ब्लॉसम क्लींजिंग मिल्क क्रीम। ये क्रीम बेस्ड इसका फॉर्मूला है। अच्छे से मैंने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है पहले, उसके बाद मैं इसको अपने फेस के ऊपर अच्छे से रब करूँगी, मसाज करूँगी, ताकि मेरा जो मेकअप है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अपने आईज के ऊपर जितना भी हैवी मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप किया होगा, सब कुछ इसके साथ रिमूव हो जाता है। आप चाहे तो आप कोई क्लींजिंग बाम भी ले सकते हैं, बट आपने मेकअप को अच्छे से रिमूव ज़रूर करना है। आप कोकोनट ऑयल के साथ भी ले सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ है वो, बट आपने मेकअप रिमूव किए बगैर नहीं सोना। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैं सिंपल के क्लींजिंग वाइप्स। उसके साथ मैंने जितना अपने फेस के ऊपर मेकअप को रिमूव किया हुआ था ना, मसाज किया हुआ था क्रीम को, उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर देना है। आप देखिए, वाटरप्रूफ मस्कारा, काजल, ग्लिटर आई शेडो, वाटरप्रूफ लिपस्टिक वगैरह सब इजीली रिमूव हो गया है, बिल्कुल भी फेस के ऊपर नहीं रहा है। बट इसके बाद हमने सोना नहीं है गाइस, इसके बाद हम करेंगे डबल क्लींजिंग। यहाँ पे मैंने लिया है सीयर सीड्स का फॉर्मिंग फेस वॉश। फॉर्मिंग फेस वॉश इसलिए गाइस क्योंकि मेकअप अप्लाई करने से हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ड्राई हो जाती है, बट फॉर्मिंग फेस वॉश ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं और हमारे फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते। उसके बाद करेंगे हम हल्का सा स्किन केयर। मैंने अपने फेस के ऊपर क्लींजिंग कर ली है, अब कर रही हूँ टोनिंग। आप जो सा भी टोनर यूज़ करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने किया है विटामिन सी का टोनर और साथ के साथ मैं लगा रही हूँ विटामिन सी की क्रीम, प्लम की ये क्रीम है, प्लम का ही टोनर था। जर्नल सी रूटीन है गाइस, बट आपने फॉलो जरूर करनी है और आपकी स्किन को बहुत अच्छा बना देती है। आप डे और नाइट दोनों में फॉलो कर सकते हैं। लिप्स पे हमने लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई की थी जिस कारण से हमारे लिप्स जो है वो ओवर ड्राई हो जाते हैं, तो हम उसको भी थोड़ा सा आराम देंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, ये बहुत ही अफोर्डेबल गुड वाइब्स की, सॉरी ये है बायोटिक की मिक्स फ्रूट लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है। उसके बाद हम अपने हाथों को कैसे छोड़ सकते हैं वो भी तो ड्राई हो गए हैं इतने बार वॉश करने से। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स की ही मॉइस्चराइजिंग है, ये मॉइस्चराइज़र है, बॉडी मॉइस्चराइज़र पीचीज का, और इससे अच्छे से अपनी हैंड्स को मॉइस्चराइज करें, एल्बोज़ को मॉइस्चराइज करें, आर्म्स को। और ये है मेरी रोज़ की रूटीन और आपने ये रूटीन ज़रूर फॉलो करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सी यू सून।